सभी मेरे साथियों को जय भीम, नमः बुद्धाय। आज मुझे करीब 11:30 बजे रात के लाइव आना पड़ रहा है और ये लाइव आकर मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली गाजियाबाद के करीब जितने भी हमारे साथी रह रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से ये विनती कर रहा हूँ कि मुझे अभी वहाँ पर जो पवन जी हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया था और 236 परिवार के सदस्यों ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अभी 11:30 बजे अभी से वहाँ पर पुलिस वालों ने पूरे जो बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती हुआ करती थी, जैसे महाराष्ट्र में कोम्बिंग ऑपरेशन किया जाता था, उसी तरह से सभी पुलिस वाले ये बस्ती में घुस गए हैं। सभी लोगों के घरों में वो जांच कर रहे हैं। हमने जो सर्टिफिकेट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए हैं उसको वो पड़ताल रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि नहीं, आप लोगों की ये दीक्षा वैलिड नहीं है, आप लोग बौद्ध नहीं हो। और SDM से लेकर, मुझे पवन जी ने बताया, 1.5-2 घंटे तक उन लोगों को बिठा कर रखा, क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म में क्या कमियां हैं, आप क्यों जा रहे हो और क्यों आप हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हो। तो कल उनको ये बुलाया गया था। ये परिवार सभी लोग मुझसे संपर्क में बने हुए हैं। अभी उनका मुझे जो फोन आया कि गांव में बड़ी मात्रा में पुलिस वहां पर अंदर गई है और जो उनकी एंट्री है, वाल्मीकि बस्ती की एंट्री है, वहां पर भी पुलिस वालों ने कुर्सियां लगाकर वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो जो लोग भी ये करहेड़ा गाजियाबाद में जो गांव है वहां पर अगर कोई नजदीक है तो हमारे इन लोगों की आज रात, क्योंकि हम लोग तुरंत वहां नहीं पहुंच सकते, तो हमारी दिल्ली की जो टीम है, उत्तर प्रदेश में जो हमारी टीम है, बाकी जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है, वो भी उनको वहां पर मदद पहुंचा रहे हैं। और सभी को हमने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, जो उस गांव के नज़दीक भी अगर रहते हैं, तो हमारे इन लोगों को सुरक्षित रखने का ख्याल आप सभी लोग कीजिएगा। मैं और मैसेज देना चाहता हूं कि देखो किस तरह से ये प्रशासन काम कर रहा है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री भारत को बौद्ध होने का दावा भार करते हैं कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, और उसी बौद्ध राष्ट्र में अगर आप कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो इस तरह से कोम्बिंग ऑपरेशन करके पता नहीं ये लोग क्या उगलवाना चाह रहे हैं या क्या कहलवाना चाह रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि आप बौद्ध क्यों हो रहे हो। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को दे रहा हूँ और आप सभी लोग इकट्ठा होकर ये जो नए, अब क्योंकि इनका मनोबल ये तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ करहेड़ा गांव तक ही मर्यादित नहीं रहा है। सभी मीडिया चाहे वो द प्रिंट हो, अभी मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग प्रतिक्रिया ले रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने प्रतिक्रिया ली है, ये जो धर्मांतरण हुआ है वाल्मीकि समुदाय का, ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। और इसलिए यहाँ का SDM जो खुद पांडे जी है, तो ये लोग योगी, ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं अब ये धर्मांतरण पूरे देश भर में ना शुरू हो जाए, इसलिए इन लोगों को डरा धमका कर फिर से ये हिंदू बनवाना चाहते हैं उन लोगों, क्योंकि मुझे वहां के औरतों ने भी वहां से बताया है कि ये फिर से हिंदू लिखवाने के लिए, हम हिंदू है, हमारा धर्मांतरण नहीं हुआ है, इस तरह के बयान ये लोग इनसे उगलवाना चाह रहे हैं कि हमारा धर्मांतरण नहीं हुआ, हिंदू धर्म अच्छा है, हमको इससे बाहर नहीं आना है। तो इस तरह से SDM के माध्यम से, SDM यानी आप लोग महाराष्ट्र के लोग समझते नहीं होंगे, DM नहीं होंगे, कलेक्टर के माध्यम से ये सब हो रहा है। तो कलेक्टर हो, SP हो, ये सभी लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं कि इन लोगों को ये फिर से, ये हिंदू है और हमसे गलती हुई है, हम बौद्ध नहीं होना चाहते थे, इस तरह से उगलवाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी परिवार यही कह रहा है कि हमको किसी ने दबाव में नहीं लाया है, हम अपने ओर से, मैंने जो वीडियो थोड़ी देर पहले शेयर किया था TV9 का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने अपनी ओर से बौद्ध धर्म अपनाया है,
यानी बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वाल्मीकि समुदाय के लोगों पर ये अलग से अन्याय और अत्याचार करना ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो धर्मांतरण हुआ है इसके जो रिपरकेशंस है ये पूरे भारत में उठ रहे हैं, पूरे भारत में हो रहा है कि आप लोग हमको मानव होने का भी दर्जा नहीं दे रहे हो, आप लोग हमको समानता का अधिकार नहीं दे रहे हो, तो हम इस जातियों में क्यों रहे। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो SDM, SP, कलेक्टर, पुलिस वाला, पुलिस प्रशासन, ये इन लोगों को रोकने का काम कर रही है। एक परिवार को रोकोगे हजारों परिवार खड़े हो जाएंगे और वो बौद्ध धर्म की ओर आएंगे। और इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए रात को एक्चुअली सभी हमारे काम में मेरी राइटिंग करके जस्ट रिलैक्स ही हुआ था कि उतने में मुझे पवन जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पुलिस वाले बड़ी संख्या में घुस रहे हैं और सभी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पुलिस वालों ने जो वाल्मीकि बस्ती हुआ करती थी उसके आगे ही एंट्री पॉइंट उन्होंने बना दिया और वहीं पर वो कुर्सियां डालकर बैठ गए हैं। तो जितने भी हमारी टीम है वो वहां पर पहुंच रही है, उस गांव में पहुंच रही है, हमारे लोगों के साथ वो खड़ी है। और जितने भी बौद्ध भिक्खु मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि शांति के माध्यम से, पूरे पीस के साथ, पूरे शांतता के साथ हम लोगों को फिर से इस करेरा गांव में जाना है और बौद्ध धर्म के जोर शोर से हम लोगों को वहां पर प्रचार करना है। और लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा तो हो गई है, अब शिक्षा कि बुद्धा का मैसेज क्या है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कह रहे कि हम आपके अगेंस्ट में कुछ जा रहे हैं या कह कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो इक्वालिटी भी हम लोगों को ये देना नहीं चाहते हैं। जो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे इन परिवारों को सुरक्षित रखने का काम आप सभी लोग करें। जो लोग नजदीक है करहेड़ा गांव के, जो लोग नजदीक है गाजियाबाद के, जो लोग नजदीक है, इन लोगों को रात तक आप लोग सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये सारे चोर लोग हैं, ये चोरी रात के अंधेरे में करते हैं। हमारी बहन को भी इन्होंने रात के अंधेरे में जला दिया और इसलिए ये रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं। एक तरफ लॉकडाउन का बहाना करके हम लोगों को घरों से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती और ये लोग रात के अंधेरे में ये चोरी चुपके, ये डर के मारे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन परिवारों की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए आप जितने भी लोग नजदीक है ये वाल्मीकि जो मोहल्ला है उस मोहल्ले को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोग कीजिए। किसी भी तरह का रिएक्शन हम लोगों को नहीं देना है, वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो किसी भी तरह का रिएक्शन हमको नहीं देना है। और सुबह होते ही हम अपने इन लोगों के साथ डटकर खड़े हो जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई में और कार्यकर्ता सुन रहे हैं, तो इन लोगों को आप लोग सुरक्षित रखने का काम कीजिएगा। इतना ही कहने के लिए मैं आज रात को इतने लेट में लाइव आकर ये मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे पवन जी का, वो लोग भी काफी डरे हुए हैं कि कहीं हमारे साथ रात भर में कुछ गलत ना कर दे, लेकिन हमारी एडवोकेट्स की टीम और सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी जितना सहायता हो सके, जो लोग नजदीक है उतनी सहायता करिए। जय भीम, नमो।